आज हमन जावत हन भोरम देव मुंगेली ले। आज भोरम देव के टूर है हमार। बात ला कोई मत बताया है ना। अभी हमन मुंगेली निकल चुके हैं। समय हो गए हमार 9:51। हमन पंडरिया होते हुए कवर्धा रोड से जात भोरम देव जाबो। भोरम देव के दार्शनिक स्थल है, मंदिर है, खजुराहो के बने हुए बने रहा। अभी हमारे साथ बहुत देर में अभी हम आए नाश्ता करे, खा लेते उनका भूख लगत है और नान नान जीवे भूख लगते अच्छे खा के मिलते। और आज मन जावत है कवर्धा और काफ़ी फेमस होटल है शक्ति माई कर बीच रोड में पंडरिया रोड में। और काफ़ी बेहतरीन यहाँ पूरी सब्जी मिले जाते तो ट्राई करना और टेस्ट करना कितना बेहतरीन। काफ़ी फेमस है, काफ़ी नाम भी सुने हैं पर आज टेस्ट कर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इतना गर्म है, इतना गर्म है, मुँह जला दी। संगवारी हो, अभी हमन नाश्ता कर लिए हैं और हम सफ़र की ओर बढ़ चुके हैं। तभी हमन जाथन पटरिया रोड में। पटरिया रोड से आगे जाबो सीधा कवर्धा रोड और पूछे हैं तो बताई से कि कवर्धा रोड से पहले ही हम लमूर जाना है। कवर्धा पहुँचे पहले ही भोरम देव के लिए एक अलग ही रास्ता बने हुए हैं। तो हमन का है अभी थोड़ा लेट से पहुँचबो, क्या है मतलब अपन काम भी करना है। काम करते करते जाथन का है वर्क हमार पहली है, वर्क प्राथमिकता देते हमन काम लपन बढ़ात बढ़ात आगे जाबो। और लगभग लगभग समय के अनुरूप देखते हुए 1 से 2 बजे तक हम भोरम देव पहुँच जाबो। हाँ तो बने रही ब्लॉग में और सफ़र कर भोरम देव के जय। संगवारी हो, भी हमन खड़े हमन चौक में। ये वाला जो रास्ता है अपन जाते पंडरिया तरफ और ये वाला जो रास्ता अपन देख सकता था ये जाते कवर्धा। और ये हमन जाबो भी पीछे हमन एक सामने है, ये तरफ हमन ला जाना है। ये तरफ से हमारा पास पड़ी है जगह 28 किलोमीटर दूर है भोरम देव और वो तरफ से जाबो कवर्धा हो तो हमला 35 किलोमीटर पड़ी। तो हमन शॉर्ट वाला रास्ता ही ला अपना है। और अभी हमन वेट कर मन के जो पीछे में हवा है अभी दिक्कत नहीं है कहाँ हवा है। उमन कोई गुड़ के फैक्ट्री में रुके है टेस्ट करे बार। अभी हमन उकरे वेट करत हैं उमन जिसे आई तब फिर हमन निकलबो आप मन ला। अभी हमला बोदला जाना है चिल्पी। हाँ बोदला और चिल्पी के बीच में पड़ी भोरम देव तो बने भी हो हमारे साथ और आप माला जल्द ही दर्शन करवाबो हमन भोरम देव के। अभी हम पहुँचे बोदला और भोरम देव यहाँ से हवा है 12 किलोमीटर दूर। ये कवर्धा से लगे हुए ही इलाका है। कुछ ही देर में लगभग लगभग हम आधा घंटा के आसपास या उससे पहले भी पहुँच सकते हैं वहाँ। आइए गरम गरम फूड खाने को मिलेगा क्योंकि कहीं नहीं मिलेगा। जो चीज़ आपको कवर्धा रोड में मिलेगा वो चीज़ आपको छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं मिलेगा। गर्मा गर्म ठंडा होने के बाद तो दुकान में मिलेगा गर्मा गर्म कवर्धा रोड का। काफ़ी टेस्टी है। अच्छा हमको सिखा दिया है। देख सकता था पूरा रास्ता है पहाड़ के बीच से ही आया ना। बहुत ही अच्छा नज़ारा है पर चिल्फी यहाँ ने 14 किलोमीटर। हाँ अभी हमन प्रवेश कर लिए हैं भोरम देव अभ्यारण्य। यह
बहुत ही बड़े जंगल है और यहाँ शेर भालू मिल सका था देखे हम अल्लाह। बाकी शेर को मैं कूद आऊँ तो डरे वाला बात नहीं है, मजा आया। तो अभी हमन पहुँचने वाला हन कहाँ पता नहीं, 4 किलोमीटर दूर है भी भोरम देवा। अभी हमन एक जगह रुके हैं मोहाल ले वथन, काफ़ी तगड़ा व्यू है जगह, काफ़ी बढ़िया पहाड़ है जा रहा है। अभी मैं अपना पीछे से दिखाता हूँ कैमरा से, आप मन भी नहीं पीछे के आस पास जैसे देखे हम कुछ नहीं दिखा, बहुत आनंद लगा थे। जब कभी भी आप मन परेशान हो ये एकदम भीड़ भाड़ की जगह लब मतलब एकदम कंझा जाओ, छत्तीसगढ़ी में कहे जाते एकदम कंझा जाओ, तब ये जगह माँ के आप मन एकदम आनंद और एकदम सुकून से मर टाइम रह सका था, फिर कहे रहना तो घरे में आखिर वही। तो अभी हम पहुँच गए हैं मंदिर के गेट में, दूसरा गेट है तो अगर एक गेट आऊ है पीछे तरफ से तो वो तरफ भी हम तो जान नहीं यही तरफ से जाबू वापसी में हो सका तो जा जा देख सकते हैं। ये देख सका था पीछे हम अपन गेट दिखा थे अंदर में हवा अंदर जाके देख ये हरे मेन द्वार भोरमदेव के और भोरमदेव के मंदिर हमन कुछ देर में पहुँचने वाला हन और भोरमदेव वाला चढ़ाए बारे दे हमन नारियल ले चुके हैं। और पहली बार मैं आया था भोरमदेव के मंदिर तो मैं थोड़ा सा उत्सुक हूँ देखे बार कि वहाँ का का चीज़ हवा और काफ़ी मज़ा आही, आप माला भी मज़ा देबो कहा है हमन मज़ा दे बार एक झा अपन साथ में लाए हैं लड़का हमारे साथ नवा छोटे भाई, समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ये दे ता वो मजा आप मतलब भी मिली। और यहाँ अभी हम नौका विहार भी करबो करबो भैया, हाँ करबो कहते तो करबो ले आए हैं तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और एक बार तो बनते है कि इतना दूर से आए हैं तो एक बार जरूर करबो, दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया चीज़ ये भी। और वो जो दिखा थे वो क्या बोलते भाई वो ब्रिज है, हाँ जो कि ब्रिज बोलते वाला ये ब्रिज देख सकता पीछू से दिखा थे ब्रिज नहीं दिखा तो और बस अभी हम थोड़ा गरीब हन नहीं तो रही रहते तो हम वाला पार्किंग मतलब ये रोड में गाड़ी चलाए कार चलाए पर मिल जाती, अब हम बाइक वाला गरीब मन के होबो होबो हमरो आए थी बार कार घूमी तो रहीस मन ला कार जाल देते गरीब मन ला रेंगत जाल देते तो वो दिन भी बहुत जल्दी है अपन बस अपन ऐसे माया दुलार बनाए रखो और चैनल 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 सब्सक्राइब कर हा, कर दा भैया शेयर कर हा, एक पिट कर दा कर दा है ना का है हम अभी पहुंचने वाला हन कामा 1000 में अभी हमारा उतना का अभी सब्सक्राइबर हो नहीं है लेकिन लगे मेहनत हम तगड़े से तो 900 ले दे के पेल ढपेल के पहुंचा रहे हैं। अब सब आओ करके आओ मतलब माया दुलाल ला बने कर मना रही है वो हिसाब से ज्यादा माया मत करिए नहीं फिर ज्यादा माया करके 10-20 हजार ए तरह वाला चाहतन के ये वीडियो में लाइक खबर के सब्सक्राइब बढ़ जाए हजार कब से कब हो जाए मोनेटाइज करवाबो हमन अब वही वही वीडियो खुद देखो अब क्या करबो 4000 घंटा पुराना है तो सब के मोबाइल में देखो गरीबी भाई हम भीख मांगा था नहीं नहीं भीख नहीं मांगा था मतलब कि अब समझ सका था मन मांगा था नहीं मांगा ठीक है तो अभी हम ना आप माला दिखाबो पीछू तरफ ले मंदिर तो ऊपर गया का नो है तो पीछे से दिखाते हैं तो अभी हमन मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और ये जस्ट मूर्ति छे में है भोरमदेव के हमारे मंदिर इला 10वीं शताब्दी में बनाया गया रही से लगभग लगभग यह 1000 पुराना है न उसने 1000 वर्ष पुराना मंदिर है पहला नागवंशी राजा गोपाल देव हा बनवा रही से जाना तो गोपाल देव है इला बनवा रही से और एकर जिन संरचना है वह तेना अपन खजुराहो और सूर्य मंदिर कोणार्क के जैसे है तो ये भोरमदेव ला हमारा छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से भी जाने जाते हैं काहे के एकर जो संरचना है तेना 10 ईस्वी पूर्व मतलब 1000 साल पुराना है और ये खजुराहो के मंदिर और सूर्य मंदिर कोणार्क ओकरे संरचना में बने हुए हैं
अंदर में तो ऐसे वीडियो वगैरह बना देते हैं, तो मैं बाहर से आप माला दिखाऊँ। अभी साथ बने रहा, अभी पूरा दर्शन करवाहा। एक एक ओमा जो चित्र बने हुए हैं संरचना उमल्ला, मैं आप मतलब बारीकी से दिखाऊँ। काफ़ी अच्छा है संरचना में, तो देख रहे ठीक। और हमन मस्त समय पहुँचे न, अभी देख सकता आरती हुआ थे, तो आरती के आनंद उठा। तो अभी मंदिर के अंदर से हम आ गए हैं, देख के पूजा करके है ना, और प्रसाद तो कुछ देख नहीं सकना, वहाँ से कुछ रखे हैं अपन लिए भले ज़्यादा। ये मंदिर है पूरा, आज काफ़ी भीड़ भी है, बहुत सारा लोग आए दर्शन करेला। हम नहीं सोचे हम कितना सारा लोग आए हुए, बाकी कुछ टाइम कैसा लगे मंदिर से प्रसाद कती बार पाएंगे प्रसाद वितरण हुआ थे तभी तो प्रसाद मिल गए। अब हम मन जाबो हमन प्रसाद के रूप में दे फूल पत्र ला शिवलिंग मले चुराक ले आए हैं, मतलब उठा के चोरी नहीं कहेगा। अभी आप मतलब पूरा ऊपर से देखाबो एकदम शिला लेख मतलब जिन जिन चित्र में उकेरे गए हैं तेन मन ज़्यादा जूम हो नहीं, लेकिन फिर भी मैं जितना हो सकी आप मतलब दिखाऊँ। बहुत ही अच्छा अच्छा स्ट्रक्चर है, हवा हवा ना भाई। हाँ ठीक है दिखाबो। तो अभी अब हमन बाहर जाथन, का है कि अब हमन ला जाना भी बहुत दूर, तो थोड़ा का नौका विहार भी करबो आराम से। जिसे आप मन नहीं आए हो हाँ, तो एक बार जरूर आ भोरमदेव मंदिर देखेला, बहुत ही अच्छा है। आप यहाँ फैमिली मन के साथ भी आ सकता, फ्रेंड के साथ आ सकता, जिसे भी आप मन की इच्छा है आप मन आ सका था। और आ गए हो हाँ तो एक बार फिर से आ देखा, का है मंदिर ऐसे चीज़ें जा पा रहा है तब और मजा आते। अभी हम बाहर आ गए हैं, अब जाथन नौका विहार कर गए। पूछथन का आका रेट है, आ गए हैं नौका विहार करेला, तो फीस वगैरह पूछ रहे थे कै रुपया लेवा थे, ऐसे मत रहा कि बेचा जी। तो कौन सा वाला सेलेक्ट करना चाहिए, डग ड्रैगन वाला ला? हम अब ये नौका विहार करने वाला है, बात हो गई भैया से, अब देखन कौन सा। अब ये हम आ गए हैं नौका विहार करेला, अब हमन का है स्टेरिंग ला संभाले है भैया हमारे दे, ये देखकर स्टेरिंग है और थोड़ा यहाँ अपन मेहनत से चलाया वाला है, तो देख सका था आप। बोला कहा है थोड़ा सा डर लगा थे, मोबाइल रखे हो ना तो गिर मत जाए, क्योंकि कहा है मोबाइल बहुत प्रिय है। बैग से आप माला दिखाता हूँ, ये दे दोनों बैठे हैं सोम और राकेश। पाँच दस मिनट लेट हुआ तो ज़्यादा। हाँ ये दे भैया मेन ड्राइवरी, ये दे चला थे हमारे काम, और थोड़ा स्पीड से भगाते हैं भैया सनसन सनसन। अब समुद्र में आ चुके हैं, बीच समुद्र में अब लगभग 10 मिनट के हम नौका विहार कर लिए हैं, 10 मिनट के हमारा समय दिए जिनसे 21 हो गए मिनट अब बचे है, अब हम वापसी करा था, पास ही में आ गए हैं ज़्यादा दूर। मजा आ गया, आप मन की जब भी आहा था जरूर नौका विहार करा, और वही नौका विहार के ही चलते ही देखते हुए ही चैनल ला सब्सक्राइब करा और वीडियो लाइक करा और अपन संगी मन शेयर करा, ताकि फोरम देख मंदिर को मनाए और नौका विहार के मजा करें। तो अब हम वापसी करा थन, और बहुत सारा जगह बचे रही यहाँ घूमे बार, जैसे कि गार्डन वार्डन है, पर हमारे पास समय के कमी के कारण हमला अभी प्रस्थान करल पड़ा थे अपन लक्ष्य की ओर। एक फिर हम फिर यहाँ विजिट करबो एक बार, पहली बार आए हम, बड़ा अच्छा लगी से, कहा है हमार स्वागत ही बहुत भव्य तरीके से हुई से, तो ज़्यादा अच्छा लगी से, एक बार आना तो बन थे है ना भैया, आवो नहीं अपन नंबर दे दे। हाँ तो इंस्टाग्राम में तक फॉलो कर लो,
फेसबुक में तक को फॉलो कर ले। तो हम आ गए हैं गेट जगह, अब पूरा कर ली हैं दर्शन हमारे मंदिर के, अब जात हन और यही जगह हमारे ब्लॉग होते ख़त्म। तो अगले ब्लॉग में मिलते हैं बहुत ही जल्द, और चैनल ला कर है सब्सक्राइब और कर है दोस्त मन साथ शेयर और कर दे वीडियो लाइक। धन्यवाद।